मुनव्वर फारूकी के ऊपर 3 FIR हुई। इसके बारे में जैसे ही पैप्स ने बताया ईशा को, वैसे जो है ईशा ने हैरानी से देखा कि हाँ क्या ऐसा सब चीज़ें हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। और चिंटू तो अपनी गंदी गाड़ी लेके जो है वो अभी घर पे ही बैठा है, वो और गंदी कर रहा है। भाई ईशा और चिंटू के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अब ईशा का कहना ये है कि भाई अभी बिग बॉस नहीं चल रहा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होंगे। वैसे एक बात तो है कि बिग बॉस नहीं चल रहा, काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं और मैं भी काफ़ी ज्यादा बोर हो रही हूं, पर आप लोगों के साथ मैं बात करने से अपने आप को रोक नहीं पाती और थोड़ी थोड़ी चीजें भी जो मेरे पास आती हैं मैं फटाफट वीडियो बना के आप लोगों तक वो गॉसिप पहुंचा देती हूं। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मुनव्वर फारूकी के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, काफ़ी सारे मतलब कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम हुई, ड्रोन्स चलाए गए, इसकी वजह से जो है 3 FIR हुई। और जब ये पूछा गया तो ईशा ने यही बात बोली कि ऑफकोर्स मुनव्वर ने थोड़ी ना बुलाया होगा कि भाई तुम ये सब चीज़ें इलीगल चीज़ें जो है वो करो, फैंस इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि फैंस ने ये सब चीज़ें कर दी होगी। तो ये चीज़ जो है ईशा ने बोली है, ईशा काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई है एक्चुअली में इस चीज़ से। और ईशा का कहना ये है कि अब मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो आ भी रहे हैं और अंकिता लोखंडे और विक्की भैया से भी मैं मिल ली हूँ। वहीं पर पैप्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा मजाक भी किया कि राजा भाई से मिले क्या राजा भाई। ईशा सोच रही थी कि बिग बॉस 17 में राजा भाई कौन सा कंटेस्टेंट था जो कि इसने अभी तक देखा तक नहीं है। तो एक्चुअली में मुझे भी ऐसा ही लगा, पर उसके बाद ईशा को खुद पता चला कि राजा भाई बिग बॉस अंदर बैठ के नहीं बाहर बैठ के खेल रहे थे और वो थे एक कैमरामैन जो कि उनके सामने थे। ईशा ने बोला अभी मिली ना, हाँ भाई अभी तो मिल गई हो तुम। तो ईशा के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब से होते, काफ़ी ज़्यादा फनी होते हैं। एक गेम थी इन लोगों ने खेल ली है, पर जिस तरीके से ये बुली करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने अभिषेक को बुली की है और जिस तरीके से समर्थ ने अभिषेक को बुली किया था, भाई वो चीज़ तो भूल नहीं पाएंगे। हाँ एक इंसान का एक नेचर पता चल गया है कि ये इस हद तक भी गिर सकते हैं। और रही बात अच्छाइयों की, जो अच्छी बातें करते हैं भाई उसके ऊपर हंसे क्यों ना। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।